हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप एक समरसेबल देख रहे हैं जो हमारी 1 इंच वाली समरसेबल है। तो फ्रेंड्स, ये जो समरसेबल है ये 1 HP का समरसेबल है और इसमें जो है कोई यहाँ पे जो है डिटेल्स वगैरह नहीं है, सब यहाँ पे मिटा हुआ है। तो आपको यहाँ पर हम डिटेल्स नहीं दिखा सकते। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि समरसेबल को किस तरह से चेक करते हैं और इसे जो है हमें किस तरह से खोलना है। तो चलिए, वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आपको जल्द मिले और वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको हम बता देते हैं इसमें कौन सा भाग यहाँ पे क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला भाग है ये हमारा पंप है जो हमारी वाटर को जो है ऊपर की ओर फेंकता है, और यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला भाग है ये हमारा मोटर का है जो हमारे यहाँ पे वायर भी निकली हुई है। तो यहाँ पे आप वायर देखकर पता कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा भाग जो है पंप है और कौन सा भाग यहाँ पे मोटर है, और यहाँ पे हमें कौन सा भाग खोलना है चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक करना है, इसमें जो है 3 वायर रहता है यहाँ पे, इसमें जो है एक वायर रेड और येलो और यहाँ पे ब्लू। तो ब्लू वाला जो वायर होता है यहाँ पे ये हमारा कॉमन हो जाता है और रेड वाला हमारा रनिंग का और ये हमारा स्टार्टिंग का। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं इसकी जो वाइंडिंग है ये सही है कि नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे हम इस पंप को खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पे इस मोटर को किस तरह से खोलते हैं चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें चेक करना है इसे, इसका जो वाइंडिंग है कौन सा वाइंडिंग यहाँ पे मतलब डेड है। तो यहाँ पे जो है ब्लू वाला हमने यहाँ पे कॉमन बताया था, तो ये जो है इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की यहाँ पे जो है लूप जो है कनेक्शन की होती है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको हम चेक करके मल्टीमीटर से दिखाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीमीटर जो है हमें कंटिन्यूटी मोड पे रख लेना है और यहाँ पे जो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रनिंग वाइंडिंग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी रनिंग वाइंडिंग जो है सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है रनिंग वाला जो कॉइल है यहाँ पे सही बता रहा है और इसकी ओम जो है यहाँ पे 12 मतलब 12 ओम के आसपास यहाँ पे बता रहा है, और इसकी स्टार्टिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है कोई भी यहाँ पे बजर नहीं बज रहा है और कोई भी यहाँ पे ओम्स नहीं बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मल्टीमीटर से चेक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म हो गए हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक वाइंडिंग जो है यहाँ पे रनिंग वाला ये सही है, और यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वाला है पीला वाला वायर ये हमारा जो है डेड है मतलब ब्रेक है कहीं से। तो ये हमें यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म हो गए, और आप चाहे तो डीसी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं, चाहे आप इसे जो है सीज लैम्प से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सीज लैम्प से भी चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमें बॉडी भी चेक करना है, हमने बॉडी यहाँ पर चेक नहीं किया, तो यहाँ पर हमें जो है बॉडी भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं आ रहा है, तो चलिए स्टार्टिंग वाला से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोई भी बॉडी यहाँ पे नहीं आ रहा है, और उसके बाद चलिए अब यहाँ पे हम जो है इसे सीरीज लैंप से चेक करके देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है चेक करने की जो प्रक्रिया होती है, जो हम जिस तरह से फैन चेक करते हैं उसी तरह से हम इसे चेक करते हैं, इसमें कोई भी चेक करने में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। आप जो है जिस तरह से चेक करते हैं उसी तरह से इसे हम चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है एक वाइंडिंग यहाँ पे सही बता रहा है और एक वाइंडिंग यहाँ पे जो है फॉल्स बता रहा है, मतलब कोई भी यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है और कोई भी यहाँ पे जो है स्विच बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमें बॉडी भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बॉडी मिल रहा है, तो ये जो है हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो है बॉडी मिल रहा होगा, या फिर हो सकता है इसमें जो है पानी जो रहता है जो हमारी कॉइल को जो है हीटिंग को जो है लॉस करता है, तो उसके कारण भी यहाँ पे जो है हो सकता है कहीं से लीक हो, उसके कारण भी यहाँ पे ये जो है स्पार्क जो है मार रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम खोलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा क्या फॉल्ट है और कहाँ से इसकी जो है फॉल्ट है। ये तो हम कंफर्म हो गए, यहाँ पे जो हमारा वाइंडिंग है ये हमारा ब्रेक है या जला हुआ है। सबसे पहले हमें खोलना है इसे, हमें इसको जो है खोलना है। तो खोलना किस तरह से चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ बोल्ट्स दिख रहे हैं, बोल्ट वगैरह, तो यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले पंप को जो है अलग करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह हमारा जो है मोटर वाला है और यहाँ पे पंप वाला है, तो यहाँ से हमें खोलना है। तो ये जो बोल्ट यहाँ पे देख रहे हैं ये हमें खोलना है, ना कि ये हमें खोलना है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये वाला बोल्ट खोलना है, तो चलिए यहाँ पर इस बोल्ट को खोल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो पंप है ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमें 13 नंबर की यहाँ पर रिंच लगेगी, आप यहाँ पर रिंग रिंच लेकर खोल सकते हैं और डाल रिंच भी लेकर खोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसे खोल लेते हैं, ये जो है आसानी से जो है यहाँ पे खुल जाएगा, ओपन यहाँ पे जो है आसानी से हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। तो और इसमें जो है कौन सा फंक्शन रहता है चलिए वो भी आपको हम दिखाते हैं। इसमें जो है
किस तरह से स्किज है, इसके जो रोटर की जो कंसल्ट होती है पंप से ये किस तरह से होती है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। और बोल्ट वगैरह हमें जो है अच्छी तरह से यहाँ पे संभाल के रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मोटर है ये अलग हो चुका है और यहाँ पे ये हमारा पंप हो गया। तो ये जो है नीचे से पानी जो है ऊपर की ओर खींचता है और इसे हमें चेक कर लेना है, ये जो है हमारा पंप जो है ज़्यादा ढक तो नहीं है, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको ढक दिख रहा है तो इसकी जो बूस है लगभग में कटी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे आपको कुछ ढक मिल रहा है। यहाँ पे आपको जो है इसे जो है ऊपर नीचे करके, मतलब इधर उधर करके यहाँ पे देखना है, मतलब दया बया इधर जो है करके देखना है इसकी बूस जो है सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो है इसका बूस जो है थोड़ा सा ढक है, तो हम इसमें जो है देख लेंगे फिलहाल खोल के। तो इसे हम जो है साइड रखते हैं फिलहाल। यहाँ पे जो है हमें मोटर को इसे जो है आपको खोल के बताना है, इसे हमें किस तरह से खोलना है और इसे जो है किस तरह से खोला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी मोटर और यहाँ पे जो हमारा पंप की जो कंसल्ट होती है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये यह हमारा यहाँ पे घात बनाया गया है। तो ये जो है आसानी से इस तरह से जो है घात में बैठ जाता है और उसके बाद यहाँ पे जो है ये पंप जो है उसमें जो है अच्छी तरह से टाइट हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं पंप किस तरह से अलग होगा, इसे जो है किस तरह से खोलेंगे, तो यहाँ पे खोलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब यहाँ पे जो है ये हमारा पंप तो अलग हो गया, अब यहाँ पे हमें इस मोटर को खोलना है, किस तरह से खोलना है चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ एलंकी बोल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे जो है कुछ माइनस वाले यहाँ पे बोल्ट दिख रहे हैं, तो इन दोनों का क्या काम है यहाँ पे चलिए आपको हम बताते हैं। कौन सा बोल्ट का यहाँ पे हमें खोलना है और कौन सा बोल्ट हमें नहीं खोलना है चलिए आपको हम बताते हैं। जो माइनस वाला है ये भी हम आपको बता देते हैं ये किस काम के लिए यहाँ पे दिया गया है। कि जो हमारी मोटर में जो वाटर यहाँ पे भरी जाती है, वाटर या ऑयल यहाँ पे डाला जाता है मोटर को कूलिंग करने के लिए, तो यहाँ पे जो है ऊपर से डालने के लिए यहाँ पे जो है ये दोनों बोल्ट को यहाँ पे दिया जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑयल सील वगैरह यहाँ पे जो है इस बोल्ट को खोलकर चेंज करना चाहते हैं, पर यहाँ पे जो है ये जो है उससे कोई कंसल्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये जो है ऑयल या वाटर को डालने के यहाँ पे दिया जाता है भरने के लिए, मतलब पानी या ऑयल कूलिंग ऑयल होता है वो वाला। और चलिए अब यहाँ पे इसे जो है हमें नहीं खोलना है, यहाँ पे जो हमारा तीन एलंकी बोल्ट दिख रहा है इसे हमें खोलना है। इसे आप जो है रिंग भी बोल सकते हैं या बूस हाउसिंग भी बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस रिंग को यहाँ पे हम बाहर निकालते हैं और यहाँ पे जो हमारा ऑयल सील है ये हमारा जो है बाहर की जो पानी होती है इसे जो है अंदर जाने नहीं देता है, मतलब गंदगी वाला जो पानी होता है यहाँ पे अंदर जाने नहीं देता है। अगर वो बाहर वाला पानी अगर अंदर जाएगा तो यहाँ पे कॉइल जो है इसका डैमेज होगा। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले आपको हम खोल के इसे दिखाते हैं इसे हमें किस तरह से खोलना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 5 mm की हमें एलन की रिंच लेना है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 5 ही नंबर यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे जो है आपको सभी एलन की रिंच यहाँ पे रखना है। तो इसमें जो है बहुत सारे मोटर में जो है अलग अलग बोल्ट लगते हैं और बहुत सारे मोटर में जो है ये जो आप यहाँ पे साइड में जो पंप यहाँ पे टाइट किया गया था तो इसी में यहाँ पे जो है नट दिया जाता है इसे टाइट करने के लिए। तो सभी मोटर में जो है सभी ढंग की यहाँ पे जो है टाइटिंग होती है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे खोल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको अलग करेंगे इस बुशिंग हाउस को। तो इससे पहले भी ये मोटर जो है 3 बार खुल चुका है अलग, तो यहाँ पे जो है 4th राउंड में यहाँ पे मेरे पास आया है। तो चलिए देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बार बार खुल रहा है, इसकी वाइंडिंग जो है बार बार यहाँ पे ख़राब हो रही है। कस्टमर का कहना है ये जो है बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब 4 से 5 दिन चलता है और उसके बाद यहाँ पे ये डेड हो जाता है। तो इसमें जो हमारा वाटर था हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो चलिए अब इस जो है बुशिंग हाउस को यहाँ पे किस तरह से निकालते हैं चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है और इसे जो है हमें इस तरह से रख लेना है, एक लकड़ी का टुकड़ा रख देना है ताकि यहाँ पे जो है कोई स्क्रैच ना लगे और इसकी जो बॉडी है ये जो है डैमेज ना हो। तो चलिए यहाँ पे अब इसे जो है हमें खोलना है। तो यहाँ पे जो है इसे खोलने के लिए हमें यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, ये जो है आसानी से बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये बाहर आ चुका है, तो अब यहाँ पे जो है हमें हाथ की ज़रूरत पड़ेगी इसे खींचने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये बाहर आ गया है, तो अब यहाँ पे जो है ये हमारा बाहर आ गया है, उसके बाद यहाँ पे जो है
ये एक रिंग है जो यहाँ पे टाइट किया जाता है इसे। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो आप यहाँ पे रिंग देख रहे हैं, ये जो है ये जो आप लॉक देख रहे हैं, इसे जो है लॉक करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया था, तो सभी में यहाँ पे जो है सभी तरह की यहाँ पे जो है मतलब टाइट की होती है। तो यहाँ पे जो है आपको खुद समझना पड़ेगा इसे जो है किस तरह से जो है टाइट किया होता, और हमें जो है यहाँ पर ध्यान देकर इसे खोलना है। तो यहाँ पर जो हमारा ये रिंग था निकालने में काफ़ी दिक्कत हुआ, तो इसे जो है आप हमारा नोकी वाला प्लेयर है इसे जो है इसकी मदद से यहाँ पर हमें बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है आप इसे निकाल कर उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऊपर वाला जो वाइंडिंग जो कनेक्शन वाला जो साइड है यहाँ पे जो है हमारा बाहर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है एक और रिंग है जो हमारी एलन की बोल्ट जो है टाइट होती है इसमें, तो ये हमारा ये रिंग हो गया। और उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं रहता है, यहाँ पे एक प्लास्टिक का जो है सेफ्टी कवर यहाँ पे लगाया जाता है वाइंडिंग को सेफ रखने के लिए। तो यहाँ पे वाइंडिंग है यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखता है, बट यहाँ पे जो है ये जिस तरह से है उसी तरह से यहाँ पे है, हमने यहाँ पे जो है कुछ किया नहीं है। और यहाँ पे जो है इसमें जॉइंट वगैरह जो है किया हुआ है, तो चलिए। और यहाँ पे एक कनेक्शन यहाँ पे जो है कटा हुआ है, तो शायद ये कनेक्शन जो है वही होगा। जो वाइंडिंग है यहाँ पर बेकार हो चुकी है, मतलब यहाँ पर ये जो है कट चुकी है, तो इसे जो है हमें न्यू वाइंडिंग करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर हमें जो है इस रोटर को किस तरह से निकालते हैं बाहर, चलिए आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो है रोटर को निकालने के लिए यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। हर मोटर में यहाँ पे जो है हर तरह की यहाँ पे जो है फिटिंग होती है, तो बहुत सारे मोटर में यहाँ पे जो है इसे जो है टाइट किया जाता है बेल्ट लगा के। और यहाँ पर जो है इस मोटर में जो है इसे गुना की मदद से यहाँ पर टाइट किया गया है, मतलब इसे जो है इस तरह से जो है एंटी क्लॉकवाइज इसे हमें घुमाना है और उसके बाद यहाँ पर ये ओपन होगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसे खोल लेते हैं। और इसे हम जो है थोड़ा सा हीट करके उसके बाद यहाँ पे हम इसे जो है लूज कर लिए, ये जो है काफ़ी टाइट रहता है, इसे जो है आप हीट करके इसे टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम जो है लूज कर करके रखे हुए थे, तो चलिए यहाँ पे इसे जो है हम खोल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो रोटर है यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स ये जो भाग है यहाँ पर बाहर हो जाता है, इस पर जो है हमारा रोटर जो है जब हम बंद करते हैं तो इस पर जो है रुक के यहाँ पर नाचता है, मतलब जब आप मोटर को जो है चालू करते हैं तो ये जो है रोटर ऊपर की ओर खींच लेता है और ये जो है बूस्ट पे चलता है। और जब इसे आप बंद करेंगे तो यहाँ पे जो है इस पर जो है इस बूस्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे जो है धीरे धीरे यहाँ पे जो है स्लो होगा, तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है सारा लोड जो है इस पर आ जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर जो है इस रोटर को हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर जो है 3 LN की बोल्ट यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो है फिर से यहाँ पर जो है हमें नोकी वाला यहाँ पर प्लायर लगेगा और यहाँ पर इसे जो है ऊपर की ओर करना है और यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको आँख यहाँ पे बचा के खोलना है, तो हो सकता है लॉक है यहाँ पे काफ़ी हार्ड होता है तो आँख में लग सकता है, तो इसे जो है अब बाहर हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो है रोटर को नीचे की ओर करना है, उसके बाद यहाँ पे जो है तो यहाँ पे एक लॉक भी रहता है जो हमारी रोटर में लगी होती है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए इन सभी यहाँ पे जुगाड़ को जो है हमें संभाल कर रखना है, अगर एक भी सामान यहाँ पे अगर इधर उधर हो जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे जो है ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है टाइम लग सकता है। तो चलिए हो सकता है नहीं भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट है, यहाँ पर जो है जल्दी इसका सामान जो है अवेलेबल नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने एलन की बोल्ट को यहाँ पर खोल लिया है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पर शॉर्टकट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एलन की बोल्ट को यहाँ पे अलग रख लेते हैं, यहाँ पे हमें इसे निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, ये जो है बुशिंग हाउस यहाँ पे जो है बाहर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हीट करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा बुशिंग हाउस है यहाँ पे बाहर आ गया है। तो चलिए यहाँ पे जो है अब हमारा रोटर जो है यहाँ पे बाहर आ गया है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से यहाँ पे रोटर रहता है। तो यहाँ पे आप जब भी देखें इस तरह की बनावट है तो यहाँ पे रिंग होना ही होना है। यहाँ पर जो हमारा रिंग है यहाँ पर जो हमारा लॉक रिंग होता है यहाँ पर ये जो है टूट के जो है यहाँ पर अलग हो चुका है, इसे जो है हमें नया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है इसे बाहर निकाल लेते हैं,
ये जो है बेकार हो चुका है रिंग। खुलने की जो प्रक्रिया होती है इसी तरह से होती है। तो यहाँ पे जो है आप एक एचपी की जो है देख लीजिए यहाँ पे जो है किस तरह से खोला जाता है। तो इसकी जो वाइंडिंग है यहाँ पे ये जो है फिर से करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको जो है वाइंडिंग वाली वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। जो है कुछ इस तरह से इसकी जो है बनावट थी और कुछ इस तरह से इसे जो है हमें खोलना पड़ता है। तो दोस्तों आप अगर इसकी वाइंडिंग देखना चाहते हैं मतलब सीखना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट करके बताइएगा। तो आने वाली वीडियो में जो है आपको वाइंडिंग करके भी इसको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो हमें जो है आपको बताना था इसे जो है किस तरह से ओपन करना है और ये जो है किस तरह से लॉक रहता है और किस तरह से इसे जो है हमें खोलना है। तो आपको जो यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आपको जल्द मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई फोल्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।